कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज जब हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड में आप मोटी डार्क लाइन कैसे बना सकते हैं। जैसा आपको ये बिल्कुल ऊपर की तरफ दिख रही है, यहाँ पर ये ऊपर ही ऊपर सबसे पहले इस तरह की मोटी डार्क लाइन जब वो आप कैसे बना सकते हैं। ऐसी कई बार आपको सजावट के लिए चाहिए होती है या फिर हेडर में ऐड करनी होती है, या आप किसी संस्था का टाइटल वगैरह लिख रहे हैं या फिर किसी को कोई खास लेटर वगैरह लिख रहे हैं, तो इस तरह की लाइन लगाने से एक सजावट जैसी बन जाती है, खास इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। तो इसके अंदर जो वो लोग इंसर्ट पे जा करके लाइन इंसर्ट करके भी जो बना लेते हैं, लेकिन ये आपको इस वीडियो में एक ट्रिक भी बताएंगे जिसके ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमने एम एस वर्ड को ओपन कर लिया, और एम एस वर्ड ओपन होते ही आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। फटाफट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, नीचे लाल बटन मिल जाएगा। अभी देखिए, पहले बताते हैं हम इंसर्ट वाला ऑप्शन। आपको जाना है इंसर्ट पे और क्लिक करना है यहाँ पर शेप्स के अंदर जा करके लाइन पे। तो जैसे आप लाइन पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो प्लस का आइकन है इसको ले आइए यहाँ पर, और यहाँ से प्रेस करके आप जो है वो लंबा खींच दीजिए इसको जिस तरफ आप लाइन बनाना चाहते हैं। तो ये लाइन बन गई है। यहाँ पर ये आपको डिजाइन दिखते हैं फॉर्मेट्स के अंदर जा करके, तो आपको यहाँ पर मोटी लाइन बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, इससे भी मोटी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो वो आसानी से ये लाइनें जो वो डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अभी बताता हूँ मैं आपको इससे भी आसान तरीका एक लाइन को इंसर्ट करने का। आपको करना क्या है, आप हैश को 3 बार लिखिए और एंटर दबा दीजिए। बिल्कुल आपके सामने देखा आपने, मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से बताता हूँ। 3 बार हैश लिखा, आप ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं लेकिन 3 से कम बार नहीं लिखिएगा, और कर दीजिएगा प्रेस एंटर को। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने देख सकते हैं आप ये लाइन इंसर्ट हो गई है, बिल्कुल ये वाली। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग जान पाए एम एस वर्ड में मोटी डार्क लाइन इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ फ्री में हमेशा आपको और मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।